खेलों से समाज में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ता है। कयूम खान। अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कयूम खान ने मोहल्ला प्यास ईदगाह पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसी दौरान उन्होंने फीता काट कर खेल का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट में दूर दूर से खिलाड़ी आए। कयूम खान ने कहा कि खेलों में से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है, समय समय पर खेलों का आयोजन होना आवश्यक है। आपको बता दें कि वनिता कयूम खान 2022 में आने वाले सिरोली नगर अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। उन्होंने बताया कि सिरोली में विकास नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर वह चिंतित हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सिरोली की जनता ने उनका साथ दिया, तो मैं सिरोली की जनता का पूर्ण विश्वास विकास करूंगा, साथ ही सबका विकास होगा। और इस मौके पर इफाक अहमद, साहिब मोहम्मद, समी इमरान, अब्दुल रहमान अखलाक आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ ठाकुर रामू। आज मोहल्ला प्यास में आए हुए हैं, जहाँ पर एक युवा नेता हमारे कयूम भाई हैं, जो इस मैच का आयोजन कराया है। आइए उनसे जानते हैं आयोजन मैच के द्वारा कराया है। जी बताइए। सबसे पहले मैं इस टीम का स्वागत करता हूँ जी, और जो बाहर से टीम में जो आने वाली हैं उनका दिले और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी यहाँ की टीम है वो भाईचारा बढ़ा रही है। इस भाईचारा में ये होता है, जो टीम बाहर की है, जैसे डिंगरपुर की है, मुरादाबाद की है, इससे बहुत प्यार, अमन और चैन मिलता है। और सभी टीमें यहाँ माशाल्लाह भाईचारा बना खेल रही हैं, और बहुत शुक्रिया। जैसे कि कयूम भाई ने बताया कि खेल एक आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ाता है, उसी को लेकर आगामी चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहने वाले हमारे कयूम भाई से आइए जानते हैं कि किस तरह के नगर सिरोली में वो करेंगे। जी बताइए, नगर सिरोली का किस तरह से विकास। मैं इस जनता के लिए दिल जान से जी और बहुत काम करना चाहता हूँ। इससे 5 साल के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ ये सोरी जनता के लिए। जी हाँ, कोटे से जो भी आता है कोई काम नहीं होता है। इस बार मैंने अपना नाम निकाला है चुनाव के लिए, तो मैं सोरी जनता को प्यासे ये बताना चाहता हूँ, इस बार नया चेहरा बनाया, वो विकास कराएगा, वो ऐसा विकास कराएगा जो युवा के दिलों में बैठेगा। हर धर्म के प्यार मिलेगा, हर माँ को सहायता मिलेगी, उस सहायता में सबको मदद होगी। और मैं थोड़ा और नहीं कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ की जो शादी होती है, जो रिश्ता लगवा होता है, सरकार द्वारा कोटे से जो पैसा मिलता है, वो पैसा मिलता है 60,000 रुपया। 60,000 रुपये में 60 रुपये नहीं मिलती है, यहाँ की जनता को 60 रुपये नहीं मिलते। इस बार का चेयरमैन यार हम पे आती है तो हम लोगों का विकास कराएंगे और काम कराएंगे। जैसा कि कयूम भाई ने बताया कि हमारे आने वाले जो चुनाव हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहने वाले कयूम भाई हैं, उन्होंने कहा कि जनता के कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ खड़े रहेंगे और हर संभव प्रयास उनका यही रहेगा कि वो जनता का पूर्ण विकास कराएं। रामू कटेरिया के साथ सिटी टीवी 24 न्यूज़ ब्यूरो।